सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ लिस्ट जो है रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के सेकंड एलोकेशन राउंड में जो कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ रैंक के बारे में। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तीन ब्रांचेस में आपको बीटेक कराता है जो कि हाई डिमांडेड ब्रांचेस होते हैं, जो कि टॉप थ्री ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल में आपको तीन ब्रांचेस में आपको ये तीन ब्रांचेस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने को मिल जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो है कट ऑफ का वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जाके बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं किस रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको सीट मिल रही है। दोस्तों वही बात करें दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल रैंक का जो स्टार्टिंग रैंक है 38,090 पे आपको स्टार्ट हुआ। दोस्तों अगर बात करें क्लोजिंग रैंक के, तो 42,072 पे आपको जो है क्लोज हो चुका है जो कि जनरल कैटेगरी का। दोस्तों बात करें सिंगल चाइल्ड कैटेगरी से यहाँ पे 44,927 पे आपको जो है सीट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दोस्तों वहीं बात करें अगर EWS का, तो 50,080 पे आपको स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ दोस्तों 53,717 यानी कि 53,770 पे EWS में अगर आपका रैंक है तो सेकंड राउंड में आपको सीट मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें OBC का जो है स्टार्ट हुआ 61,207 और दोस्तों क्लोजिंग रैंक बात करें OBC का तो है 67,279 यानी कि आपका 67,279 रैंक है, तो आपको इस बार सेकंड राउंड में जो है सीट मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड जो है एक या दो दिन में आपको रिलीज होगा, जिसमें इससे भी लो रैंक पे आपको सीट मिलती हुई दिखाई देगा। दोस्तों इससे भी लो रैंक जिसका कट ऑफ जाने वाला है, दोस्तों आपको इससे भी लो रैंक में वहाँ पे सीट मिलने के चांस हैं। दोस्तों अगर बात करें SC कैटेगरी की, तो 171,662 पे जो है स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग रैंक की बात करें दोस्तों तो 188,194 पर क्लोज हुआ। दोस्तों वहीं आप देख सकते हैं अगर ST कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक देखा जाए दोस्तों 322,257 पे आपका क्लोज हुआ। दोस्तों अगर बात करें PWD जिसका क्लोजिंग रैंक है 741,612 दोस्तों इसका क्लोजिंग रैंक जो है नीचे दिया है, तो इसका क्लोजिंग रैंक जो है दोस्तों 812,266 यानी अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और उसको अटेंड कर दिया है तो आपको ये रैंक आसानी से आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को अटेंड किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, तो ये रैंक आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने PW कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपने एग्ज़ाम को अटेंड किया है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने को सीट मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा वीडियो। दोस्तों उम्मीद है आपको बताई गई चीज़ समझ में आया होगा। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर करिए और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।